हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग जो देखेंगे वो अपडेट ऑपरेशन और डिलीट ऑपरेशन। हम लोगों ने ऑलरेडी इंसर्ट करके रखा है डेटा, ये हमारा जो एक्चुअली फंक्शन है ये क्लियर के लिए काम कर रहा है, और ये जो हमारा एक क्लिक इवेंट बटन पे जनरेट हुआ था वो इंसर्ट के लिए हमने कमांड इसमें डाल के रखा था। अब मेरा काम क्या है कि यहाँ पे हमें ऐसा करना है कि ज़रा डेटा डिलीट हो और डेटा अपडेट हो डेटाबेस से, वो ज़रा देखना है। तो पहले मैं चलता हूँ, एसक्यूएल सर्वर भी ऑन कर लेता हूँ और थोड़ा डिज़ाइन पे भी काम कर लेता हूँ। यहाँ पे एक इंसर्ट बटन है, मैं चाहता हूँ कि दो बटन और ऐड हो जाए जो कि डिलीट भी हो जाए उससे और क्या हो जाए। तो इंसर्ट को मैं यहाँ रख देता हूँ, ये इंसर्ट करेगा, इसी को मैं कॉपी पेस्ट, इसको मैं इंसर्ट हो गया दो बार, कॉपी एंड पेस्ट। चले अब ज़रा देखें, ये इंसर्ट है तो इसको मुझे रीनेम करना पड़ेगा ज़रा सा, और इसको टेक्स्ट है इंसर्ट, ये बटन टू है, मैं इसे नाम दे देता हूँ क्लियर, मैं इसे नाम दे देता हूँ क्या जी, अपडेट, नाम नहीं दे रहा एक्चुअली, टेक्स्ट चेंज करना हूँ, नेम चेंज अलग हो रहा होगा, अपडेट दिया मैंने इसे, डिलीट बना दिया, इसको मैं बेहतर है कि सेव कर लूँ। गेट बंद करो, बहुत साउंड हो रहा है। ठीक है, ये सेव हो गया। अब ये मैं पहले इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सक्सेसफुली काम हो रहा था इंसर्ट वाला, मैं क्लियर को कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लियर फंक्शन को कॉल करा ले रहा हूँ, हो गया, रन कर लेता हूँ। एक वापस से मैं इंसर्ट भी कर लेता हूँ, पता नहीं कौन सा डेटा है, नहीं ये चेक कर लेता हूँ पहले। डेटाबेस हमने किस नाम से बनाया था, डेमो डीबी ना, डेमो डीबी, उसके अंदर एक टेबल किस नाम से बनाया था, स्टूडेंट टीबीएल, इसको हमें सेलेक्ट करना है रिकॉर्ड। मैं रिकॉर्ड को ज़रा देखूँ तो इसमें कितने रिकॉर्ड आते हैं, इसमें तीन रिकॉर्ड है, मैं एक रिकॉर्ड और ऐड करता हूँ जिसको मैं नाम कुछ भी दूंगा, नाम दे देता हूँ मैं टाटा या बाटा, जो भी दिल करे, ठीक है, मोबाइल नंबर आप ले लें कुछ भी, ईमेल आईडी मैं देता हूँ bata@gmail.com, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मैंने कुछ भी दे दिया, और ये मैंने किया सेव, तो रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। मैं यहाँ पे चेंज कर चेक कर लूँ, सेलेक्ट करें, एग्जीक्यूट करें, ये यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया है, ये फंक्शन हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। मैं कुछ भी लिख के इसको क्लियर करके देख ला रहा हूँ, ये क्लियर भी काम अपना कर रहा है सब कुछ। अब हमारा काम है कि अपडेट काम करें एंड डिलीट काम करें, तो सबसे पहले हम लोग अपडेट पे काम करेंगे। अपडेट पे डबल क्लिक करेंगे तो एक क्लिक इवेंट जनरेट हो जाएगा, यहाँ देखें बटन थ्री पे क्लिक इवेंट जनरेट हो गया है। अब हमारा काम है कि हमें कनेक्शन पहले बनाना है, तो ज़रा ध्यान दें कि कनेक्शन ऊपर में बन चुका है, तो मैंने चाहता हूँ कि बार बार मैं कनेक्शन बनाऊँ, इसीलिए कनेक्शन को लोकल नहीं करके क्या कर देता हूँ, मैं ग्लोबल ग्लोबल कर देता हूँ किसी एक फंक्शन में, यानी कि ये सब मतलब फंक्शन, तो ये बटन क्लिक इवेंट जनरेट होगा तभी ये कौन नाम का वेरिएबल बनेगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें नहीं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन यूज़ करूँ, कौन डॉट ओपन यूज़ करूँ, देखो कुछ और आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, अच्छा मैं लिख के चलता हूँ CON, कौन, अच्छा डबल एन है ना, कौन डॉट ओपन, ऐसा कर रहा हूँ, ये बार बार भाग रहे, इसका मेन रीज़न है कि ये कुछ ऐसा हो रहा है, ये कौन डॉट ओपन हमने किया,
देखो कौन काम नहीं कर रहा है ना अभी, यानी कुछ एरर जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये इसका स्कोप होता है, मैंने बताया था ग्लोबल एंड लोकल के बारे में, तो ये अभी लोकल वेरिएबल है, मैं इसे ग्लोबल बना लेता हूँ। ग्लोबल कैसे करूँगा, ये देखिए अब इसमें भी जहाँ जहाँ कनेक्शन है वो ज़रा इशू करेगा, तो मैं बोलूँगा कि जब क्या हो जाए, ये ऊपर में ही काम हो जाए, तो मैं इसे ग्लोबल ही कर देता हूँ। ये आप ज़रा देखें, अब सारे जगह ये कनेक्शन है, काम अपना करेगा। तो ये लाइन मुझे 2 times 3 times नहीं लिखना है, यानी कि मल्टीपल टाइम्स ये लाइन मुझे नहीं लिखना पड़ेगा, एक ही टाइम में अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जरा आइए कि अब हमें इस पे अपडेट, इस पे तो क्लिक, इस पे हमें अपडेट करना है, तो कनेक्शन ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन क्लोज हो रहा है, तो कनेक्शन वापस से ओपन भी करना है, ठीक है। तो जरा अब हमें अपडेट कमांड करना है, तो हमें सबसे पहले डीम करना होगा, एक वेरिएबल बनाएंगे फिर से सीएमडी का, क्योंकि ये सीएमडी यानी कि एसक्यूएल कमांड यहाँ पे चेंज होगा, इसीलिए हमें दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ रहा है, एज न्यू एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड हमें लिखना है, हमने लिखा और इसके अंदर हम लोग क्वेरी पास कराएंगे, तो इसमें दो चीज़ें पास होंगी, कनेक्शन और ये क्वेरी, ठीक है। तो हम टेबल को अपडेट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे अपडेट, टेबल का नाम अपने पास क्या है, स्टूडेंट टीबीएल, मैं कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ, स्टूडेंट टीबीएल। अब देखें कि मुझे उसका क्या क्या नाम, क्या क्या चेंज करना है, नेम सेट करना है, यानी अपडेट क्या करना है, नेम अपडेट करना है, क्या क्या अपडेट करना है। जैसे कि यहाँ पर ज़रा देखे कि यहाँ पे मोबाइल नंबर है, नेम है, ईमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं चारों चीज़ इसका अपडेट करना चाहूँगा, ठीक है। तो इसके ईमेल आईडी के थ्रू करें या फिर डेट ऑफ बर्थ के थ्रू करें, कैसे करेंगे अब अपडेट, ये भी बड़ा एक मसला है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल अभी ईमेल आईडी के थ्रू कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इसका आईडी शो तो अभी नहीं हो रहा है यहाँ पे, या आईडी शो होता तो हम आईडी के थ्रू उसको अपडेट करते, ठीक है। इसीलिए प्राइमरी की का जनरली यूज़ करते हैं, कि उस प्राइमरी की के मदद से हम क्या करते हैं, उसको अपडेट कर लेते, ठीक है। ये मैं रीड करना बताऊंगा, तो बताऊंगा कि मैं इसका आईडी लिखूंगा और ऑटोमेटिकली सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं अपडेट का कमांड क्या होता है। सेट करना है मुझे, सेट करना है क्या, नेम, सेट करना है क्या, नेम। तो नेम इक्वल टू क्या करेंगे, वही फिर से हम पास करेंगे कि नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से, नेम टेक्स्ट बॉक्स हुआ डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और अगर और भी चीज़ें आपको अपडेट करना है, मैं दो चीज़ें अपडेट कर लेता हूँ, नेम के बाद क्या है, मोबाइल नंबर अपडेट कर देता हूँ, तो मैं बोलूँगा मोबाइल, मोबाइल को भी अपडेट करो, सेट करो, कैसे, जो टेक्स्ट बॉक्स से उठ के आएगा वो रखना है यहाँ पे, ठीक है, जो वहाँ से उठ के आएगा वो, तो क्या ले लूँ यहाँ पे, मोबाइल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। देखिए आप ज़रा, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है ये, ठीक है। और अब यहाँ पे वेयर लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे चेंज करना चाहते, तो मैं बोल दूँगा वेयर ईमेल इक्वल टू क्या, जो ईमेल आईडी वहाँ से पास होगा वो, तो ऐसा, और ईमेल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। तो ये चेक क्या करेगा, एक चीज़ चेक करेगा कि जिसका भी ईमेल आईडी इतना होगा उसी का रिकॉर्ड ये क्या करेगा, अपडेट करेगा, अदरवाइज अपडेट नहीं करेगा। तो चलिए चेक करते हैं, कनेक्शन को ओपन कर दिया, तो सीएमडी को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर लेंगे, एग्जीक्यूट हो गया, फिर कनेक्शन को क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, ये हो गया। एक मैसेज मुझे शो कराना है, एमएसजी बॉक्स क्या बोल दूंगा मैं, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड अपडेटेड, ये हो गया। बट एक चीज़ ध्यान रखे, मैंने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है, तो आपको एक्सेप्शन हैंडल करना है, किसी तरह का अगर एक्सेप्शन हुआ तो वो क्या होगा, कैसे चलेगा, तो एक्सेप्शन हैंडल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर कोई एक्सेप्शन आया तो कहाँ से हो करेगा,
मैसेज बॉक्स में शो करेगा, इवेंट था ई डॉट मैसेज क्या हो गया, ex.ex.message मैसेज, जो भी एक्सेप्शन जनरेट हुआ होगा यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा। मैं चेक करता हूँ अपडेट हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी पहले देख लेता हूँ किसी एक का कि किसका, मुझे एबीसी का ईमेल आईडी, मुझे क्या करना है, नेम चेंज करना है। तो मैं ईमेल आईडी उठा लिया, मैं ईमेल आईडी वाले कॉलम में रख दूंगा। मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, मैं बोल देता हूँ नाम लांबा, ये नाम लांबा हो जाए, मोबाइल नंबर कुछ भी हो जाए, ठीक है। जैसा कि इसका मोबाइल नंबर अभी कुछ भी है, अभी से फिर से वापस से कुछ भी हो गया। अब मुझे करना है अपडेट पे क्लिक, किधर, तो मैं इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर अ मोबाइल, तो बोल रहा है कि इनकरेक्ट सिंटैक्स है, तो देखते हैं हम लोग क्या इनकरेक्ट हो गया है। मोबाइल नेम एंड मोबाइल इक्वल टू वो, मोबाइल में हमने शायद मोबाइल ऐसे ही लिखा है, या जरा चेक करना पड़ेगा। कॉलम है ये, टेबल का कॉलम हमने सेट किया, नेम में कोई एरर नहीं दिया, एरर किस में दिया, मोबाइल में, मोबाइल में एरर दिया। तो ये चेक करेंगे कि क्या एरर आया, वेयर ईमेल आईडी चेक कर ले, MOBIL ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। इनका शायद इन कैपिटल है, चेक करते हैं फिर से ईमेल आईडी वही डालेंगे, नाम कुछ भी ले ले रहे हैं, फ़ोन नंबर रिकॉर्ड ही वापस से, ये तो सेव्ड हो गया। फिर से ईमेल आईडी मैंने डाला, इसको कुछ भी किया, फ़ोन नंबर कुछ भी करेंगे, और क्या करने की कोशिश करेंगे, अपडेट। मोबाइल के पास अभी भी इनकरेक्ट सिंटेक्स दिख रहा है, सेट नेम इक्वल टू अपडेट मोबाइल, नेम इक्वल टू ये एंड मोबाइल इक्वल टू ये, ठीक है, मोबाइल इक्वल टू ये सेट किया, रन कराए ज़रा, ईमेल आईडी देंगे, नेम बोलेंगे लंबा, मोबाइल नंबर 9999998, अपडेट एंड रिकॉर्ड अप डेटेड। प्लस का इशू नहीं है, आप प्लस या एंड कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब ज़रा देखते हैं कि रिकॉर्ड सेव्ड बोला है, बट ये सेव्ड तो नहीं, हमने अपडेट किया था ना, तो ज़रा देखते हैं कि अपडेट हुआ कि नहीं, किस ने कौन सा बटन पे क्लिक कर दिया, देखते हैं। इसको फिर से, ये लंबा हो गया है बट रिकॉर्ड वापस से सेव भी हो गया है, ये ज़रा देखे। तो ये रिकॉर्ड सेव क्यों हुआ, ये चेक करना है, जबकि रिकॉर्ड सेव नहीं होना था। फिर से मैं ईमेल को डालता हूँ, फिर से मैं नाम दे देता हूँ उसका, वापस से एबीसी ही करता हूँ, मोबाइल नंबर वही नहीं दूँ, मैं अपडेट सिर्फ क्लिक करता हूँ, अपडेट पे किया, रिकॉर्ड अपडेटेड, ओके ठीक है। अभी ये जो लंबा था जिसका ईमेल आईडी एबीसी है, उन सबको क्या हो जाना चाहिए, एबीसी हो जाना चाहिए। देखिए सारे जगह पे एबीसी हो गया, देखना पड़ेगा सर, एक बार हेल्थ चेक कंटेंट चेक करवा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, अभी समझ गया अपडेट। और ये तो अब ज़रा ये कि अब हमारा क्या काम रहेगा, मैं किसी और को भी एक को चेंज कर लूँ, अपडेट करके देख लेता हूँ। मैं ये एक्स वाई जेड वाले ईमेल आईडी को उठाता हूँ और इसका नाम चेंज करता हूँ, वापस से ईमेल आईडी इधर क्या करना है, पेस्ट, नाम चाहता हूँ मैं हो जाए टाटा जी,
टाटा जी, बस मोबाइल नंबर मैं चाहता हूँ यही हो जाए। तो मुझे क्या करना है, अपडेट पे क्लिक किया, ये देखिए हो गया होगा, चेक करें, एग्जीक्यूट करना है, देखिए टाटा जी हो गया, मोबाइल नंबर हो रहा है अपडेट। तो आपको जितना भी रिकॉर्ड अपडेट करना है आप क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे अपडेट टेबल का नाम और सेट करेंगे जिसको जिसको बदलना है, जितना भी बदलना है कॉमा दे दे के लिखते जाएंगे, और जिसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है, जिसके अकॉर्डिंग उसको आप वेयर क्लाउज करके लगाएंगे। अगर वेयर क्लाउज नहीं लगाते हैं तो ये सारे जगह पे क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। देखिए दिखाते कैसे, मोबाइल नंबर नहीं हटाना था ना, ये वेयर को हटाना था, वेयर मैंने हटाया। अब जरा देखिए, मैं कोई भी अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, अपडेट ऑपरेशन देखिए मैं बोल देता हूँ नेम, सब जगह पे नेम हो जाओ, सब जगह पे मोबाइल 9898 9898। अभी मैं अपडेट मारता हूँ, ईमेल आईडी कुछ भी दे दूँ मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ईमेल आईडी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा अभी, नेम एंड मोबाइल, क्योंकि हमने क्वेरी के अंदर में क्या सेट किया है, नेम सेट किया है और किसको सेट किया है, मोबाइल को। अब जरा यहाँ पे करेंगे अपडेट, तो देखिए रिकॉर्ड अपडेटेड। अब जरा देखिए कि अभी तक सब जगह नेम में एबीसी टाटा जीजी है, अभी हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब जरा देखिए, तो वेयर क्लाउज लगाना ज़रूरी है, पता चलेगा कि 1000 रिकॉर्ड रहेगा और आप अपडेट के किसी का नाम चेंज करना है ना, हमें बनाना है किसी का नाम ऐसा कि सलोनी से सुमन, नाम गलती से हो गया, उसका नाम था सलोनी, हमने लिख दिया सुमन, अभी हमको उसको क्या करना है, सलोनी, और मैंने वेयर क्लाउज वहाँ पे नहीं दिया था, तो 1000 रिकॉर्ड्स थे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सलोनी, तो 1000 सलोनी आपको फिर मिल जाएंगे। तो इसीलिए बड़ा ख्याल रखना है उसका, ठीक है ना, तो इसको बड़ा समझे कि वेयर क्लाउज का यूज़ बड़ा करना है, ठीक है ना, ओके फाइन। अब आइए मैं डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कराता हूँ, वापस से मैं इसको कोड को ठीक कर ले रहा हूँ जहाँ पे वेयर क्लाउज लगा हुआ था, तो मैं इसको पहले ये डेबगिंग को रोक ले रहा हूँ और बैक कर ले रहा हूँ, ये वापस से ठीक हो गया है, ठीक है, ईमेल आईडी पे मैं काम करा रहा हूँ। अब मैं डिलीट का कराने वाला हूँ, तो डिलीट पे सिंपली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है, और सारा चीज़ वही रहेगा, मैं ट्राई कैच को उठा ले रहा हूँ, सिंपली इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ, कर दिया, सिर्फ मुझे रिकॉर्ड क्या लिखाना है, यहाँ पर डिलीटेड हो गया, और सिर्फ ये क्वेरी चेंज करना है, इसे बोलना है कि डिलीट, डिलीट फ्रॉम, डिलीट करो कहाँ से, स्टूडेंट टेबल से, ये सब कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ वेयर क्लाउज रहेगा, अगर वेयर नहीं लगाते हैं तो क्या कर देगा, सारे रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा, इसलिए वेयर लगाए, जिसका ईमेल आईडी डालेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने इसको हटा दिया तो क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड होंगे सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट होंगे। याद रखें, क्वेरी लिखते समय, कोई भी एप्लीकेशन बनाते समय इन सब का बड़ा ख्याल रखना है। और गलती से वेयर क्लाउज नहीं लगाया और कोई बंदा क्या करेगा, 1000 रिकॉर्ड एंटर कर चुका होगा, आपने अगर डिलीट बटन बनाया है उधर और वो डिलीट पर किसी एक का भी आई डी लिख के प्रेस करता है डिलीट, तो सारे के सारे रिकॉर्ड उसके डिलीट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग फॉरगिन की वगैरह का भी यूज़ करते हैं, फॉरगिन की वगैरह क्या है ये भी बताऊंगा, ठीक है ना, अगर वो रिकॉर्ड का कहीं दूसरे जगह पे यूज हुआ होगा तो वो रिकॉर्ड वो डिलीट नहीं करने देगा। तो बहुत सारे सिक्योरिटीज़ हैं जिसको शेयर करेंगे, कंस्ट्रेंट्स है, रूल्स है, चेक्स हैं, उन सारे को RDBMS में डिस्कस करेंगे, यहाँ अभी भी .NET में कोई डिस्कशन नहीं होगा, वो सारे का सारे चीज़ RDBMS में डिस्कस करते चल रहे और करेंगे भी, यहाँ पर सिर्फ मैं एक्शन परफॉर्म करना दिखा रहा हूँ, ओके। अब सारा काम हो गया है, देख लीजिए ये कमांड भी बन गया, ये कनेक्शन भी ओपन हो गया, ये क्वेरी भी एग्जीक्यूट हो गया, कनेक्शन क्लोज भी हो गया, और मैंने एक्सेप्शन को भी हैंडल कर लिया। अगर कोई इसमें कमी कहीं नज़र आएगा तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा, कौन सा ब्लॉक चलेगा, ये ब्लॉक चलेगा, और जो कुछ भी मैसेज होगा वो एग्जैक्टली वो मैसेज क्लियर देगा। चले मैंने इसको रन कराया, मैं किसी एक का ईमेल आईडी इधर पेस्ट कर ले रहा हूँ, अच्छा ये ट्राई कॉपी हो गया, तो ट्राई तो करना नहीं अपने को, पहले इसको स्टॉप कर लें, किसी एक का ये ABC को कॉपी किया, तो ABC कितने जगह ABC हैं, तो कितने रिकॉर्ड डिलीट होंगे, 3,
रन करा लूँ इसको मैं, कर लिया। अच्छा 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 ये क्या रन कर दिया मैंने, स्टॉप डीबी की, तो मुझे इधर रन कराना है ना, उधर ही रन कराते थे। तो अब मुझे ईमेल आईडी में ईमेल आईडी डालना है, क्योंकि मैं चेक किसके थ्रू कर रहा हूँ, ईमेल आईडी के थ्रू। और डिलीट मैं प्रेस करता हूँ, रिकॉर्ड डिलीटेड, कहीं कोई कमी नहीं है कोड में, इस वजह से सक्सेसफुली काम किया। अब मैं ओके करूँगा और मैं चेक करूँगा कि डिलीट हुआ भी कि नहीं। तो मुझे क्या करना है इस क्वेरी को, एग्जीक्यूट, देखे चला गया। अब मुझे किसी एक को डिलीट करा है, एक्स वाई जेड को, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी, और किसको करूँगा यहाँ पे, पेस्ट। सिंपल, बड़ा आसान है। और मैं क्या करूँगा, डिलीट। अब किसको डिलीट किया होगा, एक रिकॉर्ड को कि एक से ज़्यादा को, एक को, किसको, इसको एग्जीक्यूट करें। अब मैंने बताया था कि अगर आपने वेयर क्लाउज नहीं लगाया तो क्या होगा, मैं दिखाता हूँ। मैं सिर्फ क्या करूँगा, इस वेयर को यहाँ से हटा दूँगा, हटा दिया, और मैं दो तीन रिकॉर्ड और एंटर कर लूँगा, कुछ भी नाम, उतना वक्त नहीं देते हुए फटाफट मैं कुछ भी इंटर कर ले रहा हूँ। ईमेल आईडी भी प्रॉपर नहीं लिख के मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अभी टेक्स्ट जाना है सिर्फ मुझे, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ सेव, देखे कितने रिकॉर्ड हो गए होंगे, अभी 3 आ गए। अब देखो मैं डिलीट बटन पर क्लिक करूँगा, तीनों का तीनों रिकॉर्ड वन टाइम में डिलीट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ से वेयर क्लाउज हटा दिया है। आप इसमें ईमेल आईडी भी डाल देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉपी कर ले ईमेल आईडी और डालें, डाल दिया और डिलीट करता हूँ, रिकॉर्ड डिलीटेड। ऐसा लग रहा है कि उसने आर्या का सिर्फ डिलीट किया होगा, बट रियली में क्या हुआ ये जरा देखें। एग्जीक्यूट करें इसको, कितनी बड़ी परेशानी में चले जाएंगे आप जब किसी क्लाइंट को कोई सॉफ्टवेयर बना के देंगे, तो कितनी बड़ी परेशानी में जाएंगे, आपका क्लाइंट तो आपका सर फोड़ देगा। नहीं, हो सकता है उसको डेटा इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगा हो, और आपके एक गलती से उसका तो हो सकता है 6 महीना का मेहनत गया। तो ये बड़ा ख्याल रखना है, अगर उसने फॉरगेन की का कहीं यूज किया होगा तो ही ना वो नहीं डिलीट करने देगा। तो ये सब बड़ा ख्याल रख के काम करना है, जब भी कोई एप्लीकेशन को लिखे कंस्ट्रेंट्स चेक्स लगाना है, तभी आप एक बेहतर एप्लीकेशन डिज़ाइन करके दे सकेंगे। सिक्योरिटीज इशू भी आप मैनेज कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या होता है। तो धीरे धीरे इस कोर्स में बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट जितना ज़रूरी का है वो मैं दूंगा। अब यूट्यूब पे कितना चीज़ मिलेगा भाई, ये भी है। तो जितनी चीज़ें हैं कोशिश करूँगा मैं दूँगा कि जितना दे सकता हूँ पूरा कोर्स में, फिर और देखते हैं जो कुछ भी है वो। ओके, फाइन, थैंक यू।